के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा आज अचानक शहर के सेक्टर 3 में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। परिवहन मंत्री ने सेक्टर 3 चौक से लेकर तिगांव रोड तक बनाए जाने वाली फोर लाइन सड़क सेक्टर 3 के पार्क के अलावा सेक्टर 3 मार्केट का दौरा किया। वहीं मंत्री को मार्केट में देखते ही दुकानदार और वहां मौजूद ग्राहक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे तो मंत्री ने वहां मौजूद लोगों को समझाया कि वे पहले कोरोना जैसी बीमारी से बचे और घरों से विशेष परिस्थितियों में ही बाहर निकले। परिवहन मंत्री ने उनको यह भी कहा कि वे कभी भी फोन पर अपनी समस्या बता सकते हैं। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मैं बल्लभगढ़ विधानसभा में विकास और सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। परिवहन मंत्री ने लोगों से यह अपील की कि वे शादी और अन्य धार्मिक समारोह जैसे कार्यक्रमों को दिन में ही निपटा लें। इसके अलावा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर 3 की मार्केट में पार्किंग का सौंदर्यकरण करवाया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर 3 मार्केट की मुख्य रोड को भी चौड़ा करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। सेक्टर 3 चौक से तिगांव रोड तक बनने वाली फोर लाइन सड़क को भी सुंदर बनाया जाएगा। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कोरोना महामारी को लेकर स्पष्ट करते हुए कहा कि जीवन है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसके लिए सभी लोग धार्मिक और सामाजिक कार्य दिन में ही निपटा लें। मंत्री ने कहा कि विधानसभा में यदि किसी व्यक्ति को परेशानी है तो वे स्वयं मेरे साथ साथ मेरे स्टाफ को फोन पर समस्या बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग अत्यंत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकले, तभी कोरोना जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। इस मौके पर नगर निगम के सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन मुकेश भी मौजूद रहे। मंत्री जी, फरीदाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच में आप सेक्टर 3 पहुंचे हैं, सड़कों को देखा है, क्या क्या मकसद था सेक्टर 3 पहुंचने का? सेक्टर 3 में कुछ जो मार्केट की जो समस्या थी, लोगों की सीवर की समस्या थी, सड़क टूटी हुई है या मार्केट की पार्क की व्यवस्था, बार बार लोगों के फोन आ रहे थे, लोग बार बार ऑफिस पर आ रहे थे। मैंने उन लोगों से कहा आप फ़ोन पर संपर्क करें, बल्लड का विकास करना प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, और उन बल्लड के विकास के बारे में, विकास में कोई कमी नहीं देंगे, चाहे सीवर की हो, पानी की हो। और लोगों से मैंने यह भी अपील करी है कि आप घर पर रहें, आप अपना जो काम करना है, दिन में शादी है ब्याह दिन में करें, और विकास के बारे में हम बल्लड में कोई कमी नहीं रहने देंगे कि कोरोना जैसी महामारी है, इसको भी हम सबको हराना है। तो इस हालात को लेकर मुझे मार्केट में लोगों ने बुलाया और मार्केट में लोगों की समस्या की जानकारी ली। मार्केट की जो रोड है उसको लेकर लोगों की शिकायतें आप तक पहुंच रही थी, सीवर को लेकर पहुंच रही थी, तो एक समाधान कब तक हो जाएगा? मार्केट जो बड़ी लाइन है सीवर की, जो हम डलवा रहे हैं, जो कॉलोनियों से भी टच होगी और जो सबसे बड़ी सीवर की लाइन गिर रही है, जल्दी इसको चालू करेंगे और एक महीने में पूरी कंप्लीट होगी। और आने वाले समय में जो भी रोड है इसको, हम जो रोड है इसको 5 फुट और चौड़ा करेंगे, जिससे लोगों को आना जाने में सुगम रास्ता मिलेगा। और पार्किंग की व्यवस्था भी हम जल्दी ही करने जा रहे हैं कि मार्केट सुंदर लगे। और सबसे बड़ा हमारा सेक्टर है, अभी हमने सेक्टर 3 की फोर लाइन रोड का उद्घाटन करा है, हमने मार्केट की भी अभी नया एस्टिमेट तैयार करा है, जिससे लोगों को आवागमन में सुगमता हो और लोगों को लाभ मिले और लोग भीड़ से भी बचें, जाम से बचें। और हम बल्लड़ के सेक्टर 3 को स्मार्ट रोड के तर्ज बनाएंगे, ये लोग जाम मुक्त रहें। इस तरह के लोगों की समस्याएं थी जिनको लेकर मैं सकती हूँ। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से? मेरी लोगों से एक अपील है कि लोग कोरोना जैसी बीमारी को समझ नहीं पा रहे, हालत पहले से और बदतर है कि फैदा जैसे में 800-850 डेली कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं। और मेरी लोगों से अपील है कि जीवन है, जीवन रहेगा तो हम सब कुछ काम ठीक रहेंगे। जो शादियां हैं जो रात के, वो दिन में करें, और इस तरह के प्रोग्राम रात को मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ने बैन लगाया कि 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद बाजारें बंद रहेंगे, और ये शादियां सब दिन में कार्यक्रम करें, रात में लॉकडाउन रहेगा। और कोरोना जब बीमारी से, और मैं भी अपने कहता हूँ कि ऑफिसों में जाने का कम प्रयास करें, फ़ोन से संपर्क करें, और फ़ोन पे ही आपके काम होंगे, चाहे सरकारी अधिकारी हो या राजनीतिक लोग, दूसरे साथी सब फ़ोन पे काम करेंगे। पर कोरोना से बचाव करना है और बचाव दूसरों का भी करना है, अपना भी और दूसरों का भी। तो मेरी लोगों से ये अपील है भाई, कोरोना से बचें। आप फ़ोन का जिक्र कर रहे हैं, आपका क्या स्टाफ और आप फ़ोन पे अवेलेबल रहेंगे जनता के कामों के लिए? नहीं, मैं पहले भी फ़ोन पे था और आज भी हूँ, और मैंने अपने सारे जो ऑफिस के आदमी हैं वो ऊपर बैठे और फ़ोन पे संपर्क करें, जो लोगों की समस्या है फ़ोन पे बात करें, लोगों की समस्या को निपटाने काम करें। आज लोगों को पानी की है, सीवर की है, बिजली की है,
ये आम ये समस्या है। जो गर्मी का मौसम है, लोग पानी के लिए परेशानी है, कहीं बिजली कट हो जाती है, इस तरह के हालात हैं जिसके लिए सब हम फ़ोन पे रहेंगे और फ़ोन पे ही हम काम करेंगे और कोरोना जैसे बच्चे का। और मेरे ऑफिस पे भी कम से कम, बहुत ज़रूरी हूँ, मेरा हो या किसी राजनीतिक का हो या किसी धार्मिक सामाजिक, इन सब से बचना है। इन धामा सामाजिक अगर जिंदे रहेंगे बाद में कर लेंगे, शादियों के कार्यक्रम फिर बड़ा कर लेंगे, हाँ अब छोटे कर लें बाद में बड़े कर लेंगे, पूजा पाठ है बाद में कर लेंगे पूजा पाठ को, ये थोड़ी भी पूजा आज ही होनी है, आज ही नवरात्रे नवरात्रे फिर आ लेंगे छः महीने बाद, पूजा पाठ बाद में कर लेंगे, पर हमें सबको बचाना है। हम रहेंगे सब रहेंगे तभी तो सब ठीक रहेगा। तो मेरी जनता से अपील है कि कोरोना जैसी बीमारी से आप लोग फायदा, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा 9-10% फायदा में रहता है, इन लोगों को बीमारी से बचना ही चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।